हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर कुशवाहा आज आपके लिए लेकर आए हैं चैप्टर वाइज सॉल्व सॉल्यूशन पीजीटी बायोलॉजी और अदर स्टेट का जो बायोलॉजी एग्जामिनेशन हुआ है। इसके अलावा बायोलॉजी का जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, विभिन्न प्रकार के जो एग्ज़ाम्स कराए जाते हैं विभिन्न यूनिवर्सिटियों के द्वारा, तो उसके एंट्रेंस एग्ज़ाम के भी क्वेश्चन हैं। तो ये चैप्टर वाइज हैं, जिससे चैप्टर वाइज ऐसा क्या होता है अभी तक जो उपलब्ध करा रहे हैं तो वो पेपर वाइज है कि कब कौन किस उसमें आए। अभी ये क्या है, चैप्टर वाइज है। तो इसमें से हम जो चैप्टर्स देखेंगे वो कौन कौन से चैप्टर्स देख रहे हैं, तो जैसे कि आपको आ रहा है नज़र, ये अभी जो हम आपको पढ़ा रहे हैं वो है टैक्सोनॉमी, एनिमल टैक्सोनॉमी की बात कर रहे हैं। तो टैक्सोनॉमी आपको पढ़ा रहे हैं, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। और उससे पहले रिक्वेस्ट की चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। तो क्वेश्चन जैसा कि स्क्रीन पर दिखाया रहा है, द फर्स्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम टू एग्जिबिट द बायलेटरल सिमेट्रीज, द्विपार्श्वी सममित दिखाने वाला प्राणी जगत का पहला संघ कौन सा है। तो कहता है बायलेटरल सिमेट्री कौन दिखाता है, आर्थ्रोपोडा, एनिलिडा, मोलस्का, प्लेटीहेलमिंथीस। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा प्लेटीहेलमिंथीस, इसका इसका फोर्थ सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द वर्ड स्पीसीज वाज क्वाइंड बाय, तो स्पीसीज शब्द पहली बार किसने दिया था, तो जॉन रे ने दिया था। किसने दिया था, जॉन रे नाम के साइंटिस्ट ने पहली बार स्पीसीज शब्द दिया था, ध्यान रखिएगा। इसमें लीनियस बाय नोमेनक्लेचर दिया था, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी। नेक्स्ट देख लेते हैं, इन विच द फॉलोइंग सब क्लास ऑफ द रेप्टाइल्स द स्कल हैज ए सॉलिड रूप, सरीसृप के निम्न में से किस उपवर्ग के कपाल की छत अविच्छिन्न होती है, तो बताइएगा, एनोप्सिडा, डायोप्सिडा, साइनोप्सिडा और पैरोप्सिडा। तो इसका ऑप्शन सही होगा पहला, यानी एनोप्सिडा, तो आप लगा लीजिएगा एनोप्सिडा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फादर ऑफ टैक्सोनॉमीज, तो ये सब बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको लीनियस को फादर ऑफ टैक्सोनॉमी के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस इज कैरेक्टरिस्टिक, अधोगामी रूपांतरण विशिष्ट लक्षण है, किसका विशिष्ट लक्षण है, तो आप बताइएगा किसका विशिष्ट लक्षण है ये, तो ये विशिष्ट लक्षण है यूरोकॉर्डेटा का। किसका, यूरोकॉर्डेटा, जहां हम लोग हारमोनिया पढ़ते हैं, बीएससी फर्स्ट ईयर में हारमोनिया का अध्ययन करते हैं, शायद बीएससी फर्स्ट ईयर में सेकेंड ईयर में है हारमोनिया, यूरोकॉर्डेटा। नेक्स्ट देखते हैं, विच इज ट्रू, सत्य क्या है, इसमें से जो ऑप्शन दिए हुए हैं इनमें से सत्य क्या है, देखिएगा, सरीसृप एक मछलियां सरीसृप एक असम एवं पक्षी असमतापी होते हैं, मछलियां एम्फीबियन, सरीसृप एन एमनियोटा कहलाते हैं, पक्षी स्तनी एवं सरीसृप समतापी कहलाते हैं। चलिए इसका ऑप्शन नेक्स्ट साइड देखते हैं, तो इसका ऑप्शन डी सही है कि सरीसृप पक्षी एवं स्तनी एमनियोटा कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, एमनियोटा कहलाते हैं। नेक्स्ट है पेरिपेटस किस वर्ग में आता है, तो अब बताएगा पेरिपेटस किस वर्ग में आता है, जो ऑप्शन दिए हुए हैं क्रस्टेशिया, ओर्निकोफोरा, इंसेक्टा और आर्कनिडा, किस वर्ग में सरीसृप आते हैं, तो ऑप्शन इसका सही होगा ये ओर्निकोफोरा के अंतर्गत आता है, ऑप्शन बी सही होगा। नेक्स्ट है स्मॉलेस्ट टेप वर्म इज, सबसे छोटा फीता कृमि होता है, कॉन्टीनिया, मोनोजिया, इकाइनोकोकस और कोटुगानिया, तो इकाइनोकोकस जो होता है सबसे स्मॉलेस्ट टेप वर्म के अंतर्गत आता है, तो ये आप नोट कर लीजिएगा सी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, विच फॉलोइंग इज नॉट ए कोरल, इनमें से कोरल कौन सा नहीं है,
एक्विलाइना, पिनेटुला, ट्यूबिपोरा और साइनिया। तो इनमें से कहता है कौन कोरल नहीं है, तो जो साइनिया है वह कोरल नहीं है। देखिए इसका जो डिस्क्रिप्शन आपको हमने जो केवीएस पीजीटी बायोलॉजी जो मिक्स आपको पेपर सॉल्व करा रहे थे उसमें सारा डिस्क्रिप्शन उपस्थित है, आप उसको भी देखिएगा। ये चैप्टर वाइज इसलिए भी आपको उपलब्ध करा रहे हैं जिससे आपको ये पता चल सके कि किस चैप्टर से कैसे क्वेश्चन पूछते हैं और उनकी स्थिति क्या है। तो ये आप एक ऐसा भी पता चल सकता है। क्लास बाइवेल्विया इज आल्सो कॉल्ड, बाइवेल्विया क्लास को हम क्या बोलते हैं, गैस्ट्रोपोडा, सेफेलोपोडा, पैलिसीपोडा या डाइकापोडा, तो क्या बोलते हैं आप लोग बताएंगे हमें तुरंत। गैस्ट्रोपोडा, सेफेलोपोडा, प्लेसीपोडा और आर्किनिडा क्या बोलते हैं, तो इसे हम पैल्सीपोडा के नाम से जानते हैं, ऑप्शन सी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एमनियोटा में शामिल नहीं है, तो एमनियोटा में कौन शामिल नहीं है, एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, मैमल्स, बताइएगा फटाफट। तो एमनियोटा में जो शामिल हैं नहीं है चूँकि पूछ रहा है, तो वो है एम्फीबिया, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स, ये एमनियोटा में शामिल हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पदविहीन एम्फीबिया प्राणी किस वर्ग में आते हैं, यानी ऐसे एम्फीबियंस जिनमें लेग्स का अभाव होता है या किस ऑर्डर्स में रखेंगे, एन्यूरा, यूरोडिला, जिम्नोफियोनो, इनमें से कोई नहीं, तो इनमें से जो रखे गए हैं वो कौन से हैं बताएगा, तो जिम्नोफियोनो है, और ये हमने आपको उसमें सॉल्व कराया है। जिम्नोफियोनो जो है ये एक ऐसा ऑर्डर है जिसमें लेगलेस एम्फीबिया रखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रुप ऑफ एमनियोटा इंक्लूड्स, देखिए ये क्वेश्चन अभी दो तीन बार रिपीट क्यों हुआ, क्योंकि इससे मिलते जुलते क्वेश्चन, उसका एक रीज़न है कि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं मगर किसी में नहीं है, किसी में, तो वो हमने आपको पहले ही बता रखा है कि ये इसमें वही क्वेश्चन हमने शामिल किए हैं जो एग्ज़ाम में पीजीटी, टीजीटी या इंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछे गए क्वेश्चन बायोलॉजी के हैं, तो सिर्फ उन्हीं को शामिल किया। तो अगर वो क्वेश्चन घुमा घुमा कर 6 बार पूछा तो 6 बार यहाँ मिलेगा। तो द ग्रुप एमनियोटा इंक्लूड्स, तो अभी आपको हम बताए हैं कि उसमें से एमनियोटा जो ग्रुप है उनमें क्या पाया जाता है, क्या पाया जाता है, रेप्टाइल्स, बर्ड्स और मैमल्स, ये भी हमने आपको बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एलिमेंट्री कैनाल इज एब्सेंट इन द एनिमल ऑफ क्लास, किस वर्ग के जंतुओं में आहार नाल जो होती है वो अनुपस्थित होती है, तो आप बताइएगा। तो एरकेनिडा, सिस्टोडा, निमेटोडा और ट्रिमेटोडा, तो ये अनुपस्थित जो होती है वो होती है ट्रिमेटोडा में, किसमें ऊपर अनुपस्थित होती है, ट्रिमेटोडा में, सॉरी ये अनुपस्थित होती है सिस्टोडा में, सही कर लीजिएगा, सिस्टोडा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, यानी बी सही है, सिस्टोडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटकेयर इन विच किंगडम प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म वर प्लेस्ड बाय विटकेयर, विटकेयर द्वारा प्रोकैरियोटिक जीवों को किस संघ में रखा गया है, तो प्रोकैरियोटिक तो आप सब जानते हैं, एनिमेलिया में तो एनिमल्स में इन्होंने रखा, प्लांटी में सारे प्लांट रखा, प्रोटिस्टा में इन्होंने प्रोटोजोअन रख दिया, अब बचे कौन प्रोकैरियोट्स, तो उन्होंने उसको मोनेरा में रखा, तो ऑप्शन इसका कौन सा सही है, मोनेरा, यानी सी ऑप्शन सही है। तो हमने आपको बता दिया है अगर एनिमेलिया पूछे तो एनिमल, प्लांटी में प्लांट, मोनेरा में प्रोकैरियोट, प्रोटिस्टा में प्रोटोजोअन्स रखे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हॉर्न्ड टोड बिलोंग द क्लास सींग वाला मेंढक इनमें से किस वर्ग से संबद्ध है, तो किस वर्ग से संबद्ध है, सींग वाला जो आपका मेंढक है वो किस वर्ग से संबंधित है,
तो वो देखिए सींग वाला जो मेंढक है एक्चुअल में वो मेंढक नहीं होता है, वो रेप्टाइल्स होते हैं। क्या होते हैं? रेप्टाइल्स। तो ऑप्शन इसका बी सही है, रेप्टाइल्स। नेक्स्ट है, पौधों के वर्गीकरण में लाइनियन पद्धति पर आधारित है, द लीनियस है, लीनियस सिस्टम इज प्लांट क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन, खूब पूछा जाता है, तो किस पर आधारित है आप बताइएगा। तो इन्होंने फ्लोरल कैरेक्टर पर इन्होंने आधारित किया था, इन्होंने स्टेम यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स लिया था स्टेम पे। इनका जो लीनियस का क्लासिफिकेशन वो आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन है। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन होता क्या है, जब कुछ चुनिंदा लक्षणों को नज़र में रखकर या देखकर ही किसी का क्लासिफिकेशन किया जाए। तो इन्होंने फ्लोरल करेक्टर में खासकर स्टेमिन के करेक्टर्स लिए थे, उसके आधार पर इन्होंने क्लासिफिकेशन किया था। तो ध्यान रखिएगा, इन्होंने जेनरा प्लांटेरम लिखा था, और जेनरा प्लांटेरम बेंथम और हुकर ने भी लिखी थी, ये भी ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, विच एब्सेंट इन आर्कियो बैक्टीरिया, आर्ची बैक्टीरिया में अनुपस्थित होता है, क्या अनुपस्थित होता है तो बताइएगा, पॉलीसैकेराइड्स, पेप्टिडोग्लाइकोन, लिपिड्स और प्रोटीन। तो क्या अनुपस्थित होता है बताइएगा, तो वो अनुपस्थित होता है इसमें पेप्टिडोग्लाइकोन, जो आर्कियो बैक्टीरिया होते हैं उसमें पेप्टिडोग्लाइकोन अनुपस्थित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारपेंटर आंट्स बिलोंग विच ऑफ द फॉलोइंग द ऑर्डर्स, जो कारपेंटर आंट्स जो चींटियाँ होती हैं वो किस ऑर्डर से बिलोंग करती हैं तो देखते हैं, बढ़ई चींटी किस गण से संबंधित हैं, तो वे हाइमिनेप्टेरा से संबंधित हैं। किससे? हाइमिनेप्टेरा से संबंधित हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट डिसेंडिंग सीक्वेंस ऑफ द टैक्सोनॉमी कैटेगरीज, निम्न में कौन सी वर्गीकृत श्रेणी की सही अवरोही अनुक्रम है तो आप बताइएगा फटाफट। तो आप सब जानते हैं, पहले ऐसे देखेगा अब बताएगा, तो इसको ऑप्शन क्या सही होगा, तो पहले डिवीज़न आता, फिर क्लास आता, फिर ऑर्डर आता, फिर फैमिली आती, फिर ट्राइब आता, फिर जीनस, तो इसका ऑप्शन सी सही होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोजोवन डिपिक्ट्स द करेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ प्लांट्स एंड एनिमल तो बताएगा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोजोवन डिपिक्ट्स द करेक्टरिस्टिक ऑफ बोथ प्लांट्स एंड एनिमल तो वो है वॉलवॉक्स। ऑप्शन क्या सही है? वॉलवॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ड्यूटेरोसोम, निम्न में से कौन ड्यूटेरोसोम नहीं है, तो वो जो घोंगा है वो ड्यूटेरोसोम नहीं होता है, ये घोंगा स्नेल जो है वो ड्यूटेरोसोम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच लिस्ट फर्स्ट एंड सेकंड, चलो मैच करा लेते हैं हम लोग, ये इसके आंसर दिए हैं तो आप बताइएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, कौन सही होगा? सी। सी का मतलब क्या है, यानी जो आपके इसके ऑप्शन है वो सी सही है। तो ए में तीसरा सही है, ए में कौन सही है, तीसरा, रुको इसको ऐसे ले ले, एक तो ये आ जाता है, ये सही है, तीसरा ही है, ये वाला है, ऐसे समझ लो, पहले में आप मिला लीजिएगा इसको,
वो हमारा वो काम नहीं कर रहा, मैं ऊपर उसको क्लिक करता हूँ तो उसका अपर बॉर्डर आ जाता है, तो इसमें सी ऑप्शन सही होगा। तो आज के लिए इतना ही, हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट करना ना भूलिएगा। जिन मित्रों ने ये पूछा है कि सर किताबें कौन सी लें या क्या करें, तो देखिए हम आपसे यही कहेंगे कि पहले आप सिलेबस देखें, सिलेबस देखने के बाद किताबों का तब चयन करें। अगर सिलेबस में BSc की किताबों में सिलेबस मिलता है तो उसको पढ़ें, मगर इस तरह की किताबें लें जो थोड़ी डीप में हों, और ख़ासकर मेडिकल बुक भी लें एंट्रेंस की, जिससे आपका जो अच्छे क्वेश्चन हैं उसमें दिए रहते हैं। तो आज के लिए इतना ही, इसी के साथ नमस्कार, शुभरात्रि।